हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रिप एकेडमी पे। सो आज का जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये क्वेश्चन आपको करना आता है तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज का सवाल है क्या। तो आज का क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, चलिए इसको ABCD नाम दे देते हैं। अब ABCD स्क्वायर के अंदर में एक पॉइंट लिया गया है और इस पॉइंट को स्क्वायर के चारों साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब दिया हुआ है कि इस जो ये पार्ट जो है इसका एरिया जो है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया जो है वो है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया जो है वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का सवाल जब आता है तो आपको बिना, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट है क्या, और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। क्या कॉन्सेप्ट है, किसी एक ट्रायंगल में अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक मीडियन बनता है। और आपको पता होना चाहिए कि मीडियन जो होता है ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है, तो अगर देखिए यहाँ से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो सिंस ये तो मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर होगा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट सेम है, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट सेम ही है, करेक्ट। और बेस इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का इक्वल है, तो बेस इक्वल है, हाइट सेम है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को लगाकर हम यहाँ पे और ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या करना है हमें इस पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, जितना भी स्क्वायर का वर्टिसेस है सबसे ज्वाइन कर देना है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ये एक मीडियन है, ये लाइन एक मीडियन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो इस ट्रायंगल को क्या करेगा, ये जो मीडियन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसका एरिया ये मान लेते हैं, तो इसका एरिया भी ये होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये जो है एक मीडियन है, तो इसका एरिया दोनों का बराबर होगा, ये इसको इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसको अगर हम लोग बी मान लेते हैं, तो ये भी बी होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये मीडियम है, तो इस दोनों का एरिया बराबर होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर देगा ट्रायंगल को इक्वल एरिया में। ठीक है, तो ये अगर सी है तो ये भी सी होगा। अब इस ट्रायंगल में ये एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तो ये अगर डी है तो ये भी डी होगा, करेक्ट। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ABCD ये एरिया, ABCD ये एरिया, यहाँ पे भी ABCD, तो यहाँ मतलब सम ऑफ एरिया ऑफ दिस टू क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ दिस टू क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। इसका मतलब हम A+B+C+D को B+C+A+D लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए A+B कितना दिया हुआ है, 16, प्लस C+D कितना दिया हुआ है, C+D 32, B+C कितना दिया हुआ है, 20 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, A+D निकालना है ना, तो मिल जाएगा ना आसानी से। तो A+D क्या हो जाएगा, 16 + 32 = 48 एंड 48 ये 20 इस तरफ आएगा तो -20, सो 48 - 20 कितना होता है, 28। तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ अब में आ गया होगा और आई होप कि ये क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के और बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में ज़रूर मदद करेगा।
तो अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।